श्रद्धाशील बंधु वो एवं श्रद्धाशील बाहन। आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस शास्त्र के हम सातवें अध्याय की वाचना और चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम ऊरभ्रिय अध्याय है, जिसका अर्थ और भाव मैं बता चुका हूँ। भीड़ का बच्चा मेमना, उसको उरभ्र कहते। ये कहानी आपने सुनी जिसमें एक व्यक्ति भेड़ के मेमने को पालता है, उसे बहुत अच्छा खाने को देता है, अंत में किस तरह उसकी मृत्यु होती है, ये सब चर्चा आप सुन चुके। अब हम चर्चा इसी अध्याय में कर रहे हैं। भगवान ने कुछ उदाहरण और लघु कथा के माध्यम से इसमें बड़ा ज्ञान दिया, और अगर आप समझना चाहें तो मैं ये कहूँगा, दुखों से निवृत्ति कैसे हो, हमारे दुख कैसे मिटें, यह भगवान ने इस अध्याय में बताया। आगे क्या चर्चा है? जहाँ का गिणीय ही उन सहसंहारे नरो ए पत्थम अम्बगम भोच्चा राया रज्जम तुहार। एक व्यक्ति ने एक कौड़ी के लिए, कौड़ी आप समझते होंगे, ये कौड़ी वैसे तो पानी का जीव होता है, उसके मर जाने के बाद उसके ऊपर का खोल होता है, वो कौड़ी है। पहले कोई ज़माना था कि कौड़ी का प्रयोग ये पैसों में होता था, गिनी जाती थी, और सबसे छोटा सिक्का किसी ज़माने में कौड़ी हुआ करता। एक व्यक्ति एक कौड़ी के लिए अपने हजारों रुपए खो देता। आप
सोचते होंगे, वो कैसे? एक कौड़ी के लिए हजारों रुपए खोना कोई मूर्ख होगा? यह क्या बात हुई? इसमें यहां ये एक कथा है। पहले आपको मैं ये कथा सुनाता समझाता हूँ, फिर इसके भाव की चर्चा करेंगे। एक कोई व्यक्ति था, किसी नगर शहर में वह मजदूरी करता था, और मजदूरी करते करते उसने कुछ धन जोड़ लिया। उसने देखा उसके पास कुछ रुपए हो गए। पहले जमाने में चांदी के रुपयों का व्यवहार था, तो वो सोचने लगा, मैं अपना ये पैसा यानी रुपए लेकर अब अपने घर गांव लौट चलूं। ऐसा उसने सोचा। बंधुओं, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान काम नहीं था। आज तो बैंकों के माध्यम से और दूसरे साधन हैं, व्यक्ति आसानी से अपना रुपया कहीं भेज सकता है, मंगवा सकता है। तब मुश्किल थी, उसके सामने समस्या थी। मार्ग में जंगल हैं और जंगलों में लुटेरे हैं, मैं अपना पैसा सुरक्षित कैसे ले चलूं? उस आदमी ने कुछ युक्ति बनाई। पहले एक चीज होती थी, उसका नाम न्योली होता था। न्योली कहते थे एक ऐसा बड़ा कपड़े की छोटा कपड़ा, उसको सी करके डबल करके और वो एक बड़ी जेब बन जाती, उसका नाम न्योली होता था। लोग उसमें अपना पैसा भर करके और उसको यहाँ बांध लेते थे, जिससे कहीं गिरी नहीं और छीने तो कोई आदमी हाथापाई भी कर ले, कुछ तो करे बचाने को, बाकी तो क्या कहें। तो उसने एक न्योली बनवाई और जितने उसके पास रुपए थे वो सारे उसमें भर दिए, और उसमें भरने के बाद वो न्योली उसने अपने यहाँ बांध ली ऊपर, और उसके कपड़े थे। उस आदमी ने अपने ओर से पूरी होशियारी की, पुराने मैले कपड़े पहने, ऐसे जैसे भिखारी सा दरिद्र बहुत गरीब आदमी हो, और कुछ एक दो बर्तन ऐसे जैसे भीख मांगने वालों के होते हैं, ऐसे अपने पास रखे। रास्ते में कुछ खरीदना पड़े कुछ, उसके लिए उसने काकिनी रखी। काकिनी कोड़ी को कहते हैं, पुराने जमाने का ये व्यवहार में आने वाला ऐसी चीज थी, वो उसने रख ली और वह चल पड़ा। लंबा सफर था, चलता रहा, रास्ते में कहीं कोई धर्मशाला आती, नगर आता, ठहर जाता, फिर चल पड़ता। इस तरह वह अपनी यात्रा कर रहा था। मार्ग में एक नगर आया, उस नगर में वो ठहरा।
आजकल तो होटल होते हैं, तब ये ढाबे धर्मशालाएं ऐसे साधन थे। वो धर्मशाला में ठहरा और वहाँ उस धर्मशाला में एक कोई व्यक्ति था जो खाना बनाता था और यात्रियों से पैसे लेता और खाना उन्हें दिया करता। उस व्यक्ति ने भी, जिसकी ये कहानी है, वहाँ ठहर करके उसे खाना लिया और खाना ले करके खाया। वहाँ वो ठहरा, दूसरे दिन वो सुबह में चल पड़ा। जब वह कोस दो कोस दूर चला गया जंगल में, वहाँ से याद आया। याद क्या आया कि वो अपने एक काकिनी वहाँ भूल आया, भाई वहाँ रखी थी और वो चलते वो भूल आया। मन हुआ वैसे धन छोड़ना नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से कमाया था, मैं चलूं और ले करके आऊं। जब वो वापस मुड़ने लगा तो मन में क्या विचार आया, मेरे पास ये बर्तन है, एक ही फटे पुराने कपड़ों की गठरी सी है, ये मैं ले कर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ जंगल में छिपा दूँ और फिर वहाँ पर लौट कर आ कर के ले लूँगा। उसने वो अपने सामान सा कपड़े से फटे पुराने से एक झाड़ी में छिपा दिए, बर्तन छिपा दिए। उसके पास बची न्योली, वजन उसमें भी था। उसने सोचा अब सामान कम हो गया, किसी को शक ना हो जाए कि कुछ बांध रहा है, इसको भी यहाँ छिपा दूँ। और उसने वो अपने खोल करके इधर उधर देखा, कोई सन्नाटा था, जंगल था, कुछ नहीं था। और एक गड़ा खोद करके उसने उसको दबा दिया और फिर वह अपने काकिनी लेने के लिए चल दिया। जब वो दबा रहा था, छिपा रहा था, वहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चोर छिप करके बैठा हुआ था और वो नीचे देख रहा था, वो चुपचाप बैठा रहा। अब उस व्यक्ति ने और तो देख लिया, दाएं बाएं इधर उधर, ऊपर नहीं देखा, वो तो चला गया। चोर नीचे उतरा, उसने वो खोदा और वो न्योली निकाल ली, रुपये तो उसे तो रुपये मिल गए, और उसने क्या करना था, वो तो रुपये लेकर के भाग गया। वो दरिद्र धर्मशाला में पहुँचे, जाकर बोला, भाई मैं काकनी भूल गया, यहाँ रखी थी, देखी किसी ने, उठाई किसी ने, असल तो था ही इतना छोटा कि उसके लिए कोई क्या कहता, फिर भी किसी ने उठा भी ली हो, कौन हाँ भरेगा, बोले भाई हमने देखी नहीं, तो देख ले। उसे सारी जगह देख ली, काकनी नहीं मिली, निराश हुआ, सोचा चलो भाई नहीं मिली तो वापिस चलते, वापिस चल पड़ा। उस जगह पर पहुंचा जहां झाड़ी में उसने वो पुराने फटे कपड़े छिपाए थे, वो बर्तन से छिपाए थे, वो उसने निकाल लिए, उठा लिए, और फिर देखा वो जो गढ़ा जिसमें वो न्योली छिपाई थी, वहाँ से मिट्टी कुछ, क्या बात है, मिट्टी हटा सी रखी है, हटा कर देखा कुछ भी नहीं थी। वो आदमी बहुत रोया, उसकी सारी कमाई थी, वर्षों की कमाई थी, बड़ी मुश्किल से उसने पैसा जोड़ा था, बहुत रोया। पर रोने से कौन लौटाएगा धन को, वो तो चोर ले जा चुका था। बहुत मन में दुखी हुआ और आखिर निराश और दुखी होकर वह अपने घर को चला जाता। जहाँ कागिणी ही उम, जैसे कि उस व्यक्ति ने एक काकिनी के लिए सहसंहारे नरो, अपना हजारों का धन नष्ट कर दिया, खो दिया एक काकिनी के लिए।
छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को खोना, छोटी चीज के लिए बड़ा नुकसान कर लेना, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। अगर वह थोड़ा विचारशील होता, विचार करता कि मैं यहाँ छिपा कर जा रहा हूँ अपने धन को, क्या पता क्या घटना हो जाए, और ऐसा नहीं करता तो संभव उसका धन बच जाता। शिक्षा क्या दी भाइयों और बहनों, समझो, छोटे से लोभ में उसने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। ठीक है ना भाइयों, यही तो सार निकला इस कथा का, इस कहानी का, जो भगवान ने फरमाई और शास्त्र में आई कि थोड़े से के लिए उसने अपना इतना नुकसान कर लिया, सब कुछ खो दिया। भगवान कहते हैं यह जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। कोई चाहे कि भी इसकी कोई कीमत लगा ले, कीमत नहीं। एक श्वास भी कोई बाजार में जाकर खरीदना चाहे मिल नहीं सकता, इतना अनमोल है। और छोटी चीज क्या, व्यक्ति सांसारिक सुखों के लिए, जो क्षणिक हैं, थोड़े समय के हैं, उनके लिए इस अनमोल जीवन को व्यक्ति खो देता है। प्रभु कहते हैं इन छोटे तुच्छ सुखों के लिए अनमोल जीवन को नष्ट मत करो। इसके साथ जो एक चर्चा मैं और कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जीवन में दुख आते हैं, इन दुखों का क्या समाधान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।